तो श्री सनबेत्रा जी, आयुष अग्रवाल ने पूछा था बांग्लादेश घुसपैठ और रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में कि वो कब तक बाहर होंगे, तो उनका एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर दें तो और फिर बाकी के प्रश्न। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इस टाइम जो बैटल फील्ड है दैट इज कश्मीर। कश्मीर ठीक हो जाती है तो पूरा देश ठीक हो जाएगा। दैट इज अ बैटल फील्ड फॉर मोदी जी एंड ही हैज टू सेट अ एग्जाम्पल दैट ही कैन डू। इफ ही कैन करेक्ट कश्मीर, ही कैन करेक्ट एंटायर इंडिया। वहाँ पे कहीं पे भी कोई विघटनकारी ताकतें जो पॉकेट्स में है उनके साथ वही होगा जो कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के बारे में आप तो पहले भी भविष्यवाणी कर चुके। देखिए, कश्मीरी पंडितों के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि मोदी जी के लिए बैटल फील्ड जो है दैट इज़ कश्मीर। और कश्मीर में जो एक्शन लिया है ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन क्लीन, इससे जो है कश्मीर में से गंदगी बिल्कुल साफ होगी। और उसके बाद जो है सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, 379 जब ख़त्म हो जाएगा, 35A जब ख़त्म हो जाएगा, पूरे भारतवासी कश्मीर में जाके चैन अमन से रह सकेंगे और कश्मीरी भी वहाँ पे एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जो पॉकेट्स में जो गंदगी है वो बाहर निकलनी चाहिए। और उनके जो आका हैं वो लोग तो अंदर हो चुके हैं और उनके जो सोर्सेस थे वो भी अंदर हो चुके हैं जो उनको फंड कर रहे थे। इस समय और सारे दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं। कल की अवतार जी ने पूछा है, क्या नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा भगवान के अवतार हैं और इस तरह की? बिल्कुल, आप कल आपकी जो भावना है, आपके जो हृदय के उद्गार हैं, आप मेरे से डिस्कस भी कर चुके हैं कल की जी, तो वो कहीं हद तक बिल्कुल ठीक है, आप अपने उस पे कायम रहिएगा। और इस बीच कुछ और प्रश्न आ गए हैं। आयुष अग्रवाल जी ने फिर पूछा है कि सनबेत्रा जी, 9 अगस्त को भारत बंद के लिए दोबारा SC ST के लोगों को उकसाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, SC ST के लोगों को उकसाना जो है सिर्फ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो है एक सेक्शन को अलग करना है। जहाँ तक ये SC ST भी जानते हैं और भारत का हर एक नागरिक जानता है, अगर देश को कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो सबसे आगे हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए ये हमारे फ्रंट लाइन है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तलवार के जोर पे भी इस्लाम कबूल नहीं किया था और नीचे से नीचे का काम करने को तैयार थे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। वो कैसे मिल जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। नागेंद्र जी एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि TDP क्या NDA में वापस आ सकती है? TDP भी आएगी। मैंने आपको भविष्यवाणी की थी कि NDA के जो भी घटक हैं उसमें से जो भी जाएगा वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। दूसरा, आपने बीच में एक दर्शक का जो क्वेश्चन था माल्या के लिए जी, तो माल्या जी के लिए तो मैं आपका जो है पहले ही प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि आपका कौन सा माल्या, विजय माल्या, विजय माल्या को मोदी जी जिस तरीके से शेर अपने शिकार को झपट कर लाता वापस, ऐसे ही खींच कर बाहर से लाएंगे। और वो सारा जो है आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी वो हुआ वहाँ की सरकार ने उनके जो कोई आपका वो उसको मॉडगे उसके जो जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको सीज करने की बात कही और उनको जो है डिपोर्ट करेंगे एंड ही विल कम टू इंडिया। और वो अब जो है पैसा देना चाहते हैं।